was like marrying it today with a lot of something. How to CNC metal cutting. इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि कैसे टूल से कटिंग होता है. ये देखिए, एपी यहाँ जो कर रहा है 3.mm कट आपका टूल से हो रहा है. ठीक है, इतने बड़े बड़े बेस होते हैं. यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कट कैसे इस तरीके से. यहाँ पे देखिए फिलेट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे अभी ये कैसे कट कर रहा है, यहाँ पे पारा सॉलिड बैटरी में सॉलिड ऑफ द फाइल को सीएनसी कटिंग के लिए देते हैं, उसको भी क्रिएट करते हैं. तो ओके फ्रेंड, यहाँ पर कट हो रहा है. ठीक है, अब अलग एक्स वाई एंड जेड मतलब अलग अलग डायरेक्शन में सीएनसी वर्क करती है. ठीक है, यहाँ पर मेटल कटिंग हो रहा है. ये है सब चीज़ जो वेस्टेड मटेरियल है, इसे फिर हम रीयूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग प्रोसेस से, रिसाइकलिंग यूज कर सकते हैं. यहाँ पर हम बोल्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है, बड़ी सी प्लेट है. ठीक है, इस प्लेट को अलग अलग स्लॉट कॉर्नर पे क्रिएट किया जा रहा है. यहाँ पे जो रेड लाइन से दिखाया जा रहा है वो मार्किंग है. मार्किंग के इनसाइड में ऑपरेटर को थोड़ा सा कंफर्टेबल फोन हो सके वर्क करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे ये कटर है, लेफ्ट हैंड होता है और राइट हैंड भी होता है. इसके दोनों से कटिंग में मटेरियल को कितना रिड्यूस करना है. यहाँ पे भी हम पहले पहले मटेरियल को रिड्यूस करते हैं. ये सब हमारे पास प्रोसेस होता है. यहाँ पे देख रहे हैं इसका एक चीज का इतना का प्लॉट होगा, उसके हिसाब से हम अपने चेंज कर सकते हैं. बेसिकली इसको हम एक्सक्लूड करते हैं. एक्सक्लूड करने के बाद मटेरियल को वो कट लगाते हैं. अब यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस हैं मटेरियल रिड्यूसिंग का. मटेरियल को सिलेक्शन किया जा रहा है यहाँ पे एज फॉर ड्राइंग, एज फॉर रिक्वायरमेंट. यहाँ पे कटर लगा हुआ है, कटर को हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर 8mm मिलिंग कर रहे हैं. ये डायरेक्शन है 8 and 10, जिसे इंच को भी देख सकते हैं 0.315 एंड 0.09 1093. आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्मूथ कॉर्नर प्रोड्यूस किया. देखिए यहाँ पर स्लो मोशन में दिखा रहा है कि आपका टूल का कटर कैसा होता है. ये कटर काफ़ी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कोई भी टूल की पहले हार्डवेयर देखते हैं. हार्डवेयर कितनी है उसके हिसाब से हम बटन उस पर अप्लाई करते हैं और डेप्थ कितना देना है उसकी आरपीएम भी सेट करते हैं. यहाँ पे जो कैसे करना है, बेसिकली सीएनसी से कट कैसे लगाया जाता है वीडियो में आप पूरा आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जितने भी चीज कहें अनवांटेड मटेरियल है उसे फिर से हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पर मिलिंग लगा रहे हैं, 20mm है. मार्किंग जो आप देख रहे हैं, मार्किंग से मटेरियल की साइड
छोड़ कर बाकी देखिए आपने इसमें बीच में देख रहे हैं मैं मैंने बहुत कट लगवाया है ठीक है। इस तरह से आपकी कास्टिंग होती है, आप जो बनाते हो डिजाइन की कास्टिंग फैब्रिकेशन प्रोसेस ये होता है। तो डिजाइन करने से पहले हमें फैब्रिकेशन प्रोसेस पता होना चाहिए कि पार्ट या प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसकी क्या क्या कॉस्टिंग होगी, उसके हिसाब से हम डिजाइन का मीनिंग होता है जो ऑप्टिमाइजेशन को आपका जो वैल्यू है उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाए तो आप उसको ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करें। कटिंग है ये भी कट लगाया जा रहा है अलग अलग x में y में फैब्रिकेशन में कैसे अलग अलग प्रोसेस है उसका और कंप्लीट करवाते हैं ये हम कंप्लीटली देखते हैं।